मुस्लिम समाज जिस देश की रीढ़ की हड्डी की तरह इस लोक के साथ खड़ा है और भारत के साथ खड़ा है बलिदानियों में, और कभी भी इस देश के लिए जरूरत पड़ती है तो अपने रक्त से इस देश को सींचने का काम करता है और करता है और करता रहेगा। हम लोग 30-35 लोग प्रखंड 70 कटैया सहरसा बिहार से आए हैं इस आंदोलन में शरीक होने के लिए। सरकार के लिए हम यही कहना चाहेंगे, मैंने अभी कुरान की एक आयत पढ़ी थी आप लोग यहाँ पे स्टेज पे अभी बोलते हुए कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि जो तुम्हें ये जो नियामतें दी गई है, तख्त नशीनी की गद्दी दी गई है और यहाँ के आवाम ने जो तुम्हें इज्जत से नवाजा है और तख्त पे बैठाया है, बल्कि होश में रह करके आपको चाहिए कि इस आवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए आप काम करें। इस तरह के कोई कानून ना बनाए कि जिससे जिसके यहाँ के लोग परेशान हो, यहाँ के अमन अमान ख़राब हो, यहाँ जो महीनों से लोग हर चीज़ को छोड़ करके और सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्या इसमें मुल्क का नुकसान नहीं है? क्या मुल्क की बर्बादी नहीं है? क्या यहाँ की इकोनॉमिकल बर्बादी नहीं है? इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हो रही है और मुल्क की बदनामी हो रही है, तो सरकार को इस बारे में बिल्कुल विचार करना चाहिए। देखिए, सरकार का हम तहे दिल से एहतराम करते हैं, वो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, लोगों ने उनको बड़ी इज्जत के साथ तख्त पे बिठाया है और हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि आवाम के जज्बात को समझें, किसानों के दर्द को समझें कि आखिर ये लोग महीनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनको अपना घमंड इसको निकाल के फेंक देना चाहिए। देखिए, हमें इसकी परवाह नहीं है कि हमें अगर देश जा चुकी नौकरी की जगह 5 करोड़ नौकरी छीन ली देने की क्या बात है, क्या मान लें उनकी बात, नौकरी दे ही कर रहे हैं भाई, जिसकी बात नहीं बताइए आप। देखिए, मुझे ये बताइए, मुझे पहले सवाल जब खड़ा होता है कि इन्होंने हमें करोड़ों नौकरी दे दी हो, अरे जब नौकरी दे ही ना रहे तो फिर हमसे हमें क्या उम्मीद भाई, नौकरी है ही नहीं इनके पास, नौकरी तो क्या छीनेंगे हमसे, ये पकौड़ा पकौड़ा भाई पकौड़ा कितने लोग खाएंगे? अच्छा, उनके तो मैं कह रहा हूँ जो रोजगार देना पकौड़ा वाले लोग, एक आदमी भी यहाँ आया नहीं, पकौड़ा ही बेच लो आगे यहाँ। जिस तरीके से वित्त मंत्री कह रहे हैं कि जो किसान है, किसान समझा नहीं पा रहे कानून ने काला किया है, किसान नहीं नहीं ये बात पहले तो समझ थी कि किसान नहीं समझ पा रहे थे, जब तक किसान नहीं समझ पा रहे थे जब तक इनकी कॉन्स्पिरेसी चल पा रही थी, लेकिन अब किसान अच्छी तरह समझ गया कि ये कानून क्या है, अब तो किसान समझ गया तभी सड़कों पे आया है। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा सिंघू बॉर्डर में, आपने देखा इंटरनेट कट गया, अलग अलग बॉर्डर में भी कट गया, लेकिन सिंघू बॉर्डर में मीडिया को जाना मना है और उसके बाद पत्रकारों को भी वहाँ से उठा लिया गया, स्वतंत्र पत्रकारों के साथ, जैसे यहाँ पर जितने भी पत्रकार हैं अगर इस तरीके से उनके ऊपर FIR हो जाएगा, अगर इस तरीके से होता रहेगा तो क्या लगता है कि आप लोग की आवाज़ कौन उठाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि जब हम 1947 बल्कि 1857 से हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय मीडिया नाम की चीज़ नहीं थी सड़कों पर, लेकिन देश आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ, अंग्रेज भागे कि नहीं भागे, वो तो विदेशी थे, बड़ी बड़ी ताकतें थी उनके पास, ये कहते तो मुट्ठी भर लोग हैं, हमारे चुने हुए लोग हैं, अंग्रेज तो हमारे चुने हुए नहीं थे ना, जब हमने बगैर मीडिया के, बगैर नेटवर्क के, बगैर इंटरनेट के उनको भगा दिया, ये तो बहुत छोटी सी चिड़िया है, या तो अब भाग जाएंगे नहीं तो 5 साल बाद भाग जाएंगे, हमारे हाथ में है ये तो सबसे बड़े देशभक्त हैं। हाँ, बीजेपी वाले बिल्कुल, दूसरे तो देश बिल्कुल, ये इतने बड़े देशभक्त हैं कि जिस तिरंगा के अपमान की बात आज ये लोग कर रहे हैं ना, 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाया था जब ये आए दिन तिरंगा को पैरों के नीचे कुचलते थे, नागपुर के लोग, ये RSS के लोग जो आज सरकार में बैठे हैं, इनसे बचाने के लिए कानून बना था कि इस तिरंगा का अपमान, देश का अपमान ना हो, इसलिए कानून बनाओ, आज ये हमें गद्दार बता रहे हैं, आज ये देशभक्त बन रहे हैं। अरे देशभक्त ये लोग हैं जो आज यहाँ पर बैठे हैं, ये देशभक्त है, वो नकली देशभक्त है। एक बात बताओ, बोलते हैं भारत माता की जय, कितना बोलते हैं वो लोग, भारत माता है कौन यार, ये तो जानो, आज भारत माँ के सपूत आज सड़कों पर दिल्ली के चारों ओर पूरे देश के अंदर घर घर में भारत माँ का बैठा है, वह किसान आदमी तबाह और तबाही के कगार पर बैठा है, ये भारत माँ है और वो भारत माँ के सपूत है जो आज यहाँ पर खड़े हैं। काय की भारत माता बताओ, कौन सी भारत माता की बात करते हैं वो लोग, आज यहाँ माता भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं, भाई भी हैं, चाचा भी हैं, ताऊ भी हैं, दादा भी हैं, कौन सी भारत माता भाई, अमेरिका की भारत माता है क्या इनकी, किसकी बात करते हैं? तो देशभक्त वो नहीं भाई, देशभक्त आज छट गया है, और बताओ हिंदू मुस्लिम की जो कॉन्स्पिरेसी थी ना इनकी, इस आंदोलन में ये भी खत्म हो गई।
अब ये नहीं चलेगी, क्योंकि एनआरसी के आंदोलन को इन्होंने एक मुस्लिम का आंदोलन कह के दबा दिया। इसको भी कोशिश तो बहुत की मीडिया ने भी कि भाई इसको खालिस्तानी बताओ, चाइना से फंडिंग बताओ, इसको पाकिस्तानी बताओ, सारी चाल फेल हो गई। फेल क्यों हो गई कि आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब किसान बन के खड़ा है बॉर्डरों पर, इसलिए आज इनकी सारी नाकामी हो गई है इनकी, इनकी कोई बात नहीं करा। दूसरी बात, अगला आंदोलन जो होगा ना मैडम, अभी ये तो हमारे कानून वापस होंगे, अगला आंदोलन हमारे से मीडिया के खिलाफ होगा। ये जो मीडिया है जो है ना, जी न्यूज, आज तक, और ये जो अगला आंदोलन इन्हीं के खिलाफ होना है। और मजाल जो कोई आ जाए, 150 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और इनका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। जिस तरह आज़ादी के आंदोलन में जो शहीद हुए थे उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, इन किसानों का नाम भी इसी सम्मानता के साथ लिया जाएगा। और चाहे सैकड़ों हजारों बलिदान यहाँ पर देने पड़े, वो दिए जाएंगे। ये देश सुभाष चंद्र बोस का देश है, शहीद भगत सिंह का देश है, अशफाकुल्ला खान का देश है। यहाँ बलिदानियों की कमी नहीं है। इस देश की जो ज़मीन है, इस देश का जो वजूद है, वो बलिदानियों पर टिका हुआ है और बलिदानियों पर टिका रहेगा। जब जब जरूरत पड़ेगी देश को बलिदानों की, ये देगा। हाँ, तो कह रहे हैं भाई साहब आके बैठ के मीटिंग कर लो। अरे 11-11, 12-12 मीटिंग कर चुके, समझ में ही नहीं आ रहा किसान के। अरे गलती ये हो गई कि समझ में आ गया किसान के, भाई साहब उनकी समझ में नहीं आ रहा। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा, कभी कील गाड़ देते हैं, कभी उखाड़ देते हैं, कभी हमें लाल किले पे पहुंचा देते हैं, कभी हमें कहीं पहुंचा देते हैं। समझ में उनके नहीं आ रहा। एक रूट दिया था क्लियर करके, भाई किसान आंदोलन अपने वो निकालेंगे, परेड करेंगे, वो भी उनकी समझ में, हमारी समझ के बाहर कर दिया। वो भी उन्हें नहीं पता कि कहाँ ले जाना कहाँ नहीं। जहाँ रूट दिया वहाँ बैरिकेटर, जहाँ हमको जाना नहीं चाहिए था वहाँ पर लोगों को भेज दिया। समझ में ये कन्फ्यूज सरकार है, कन्फ्यूज किसान नहीं है बिल्कुल भी आज की तारीख में। सरकार बहुत मजबूत है सर, क्या लगता है वापस लेगी बिल को? कितनी मजबूत हो भाई साहब, इस जनता से मजबूत नहीं है। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। ये 543 लोग हैं यार, यहाँ 125 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। ये मजबूत है या हम मजबूत हैं बताओ? लेकिन अब बैरिकेडिंग की लेयर भी बढ़ गई है काफी, क्या लगता है आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला? बैरिकेडिंग की लेयर भाई साहब यहाँ से लेके और ये कहीं तक भी लगा लो अपने, मैं कहता हूँ संसद भवन, ये पता सुरक्षा किसकी कर रहे हैं? हमें यही समझ नहीं आ रही सुरक्षा कर किसकी रहे हैं। ये संसद की कर रहे हैं या अमित शाह के घर की कर रहे हैं या पीएम हाउस की कर रहे हैं या किसानों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं? हमें तो समझ ये नहीं आ रही ये कि बैरिकेड लगा, हमको दिल्ली जा रहे हैं, हमारी कोई घोषणा है कि हम दिल्ली जाएंगे? हमने तो ये चक्का जाम से भी दिल्ली को अलग रखा कि भाई तुम दिल्ली को अलग रखो, हमारा कोई मतलब नहीं उसमें। फिर क्यों लगाए जा रहे हैं ये? हिरासत में तो लेने का इनका काम है भाई साहब। जब जब कोई आपसे इनसे अधिकार की बात करेगा, जब जब इनसे कोई सही बात करने की बात करेगा, इस सरकार के सवाल जब भी कोई खड़ा करेगा, या तो ये पिछली सरकारों को दोषारोपण करेंगे, या उसको आतंकवादी, उग्रवादी या देश विरोधी का कानून लगाकर उसको अंदर बंद करेंगे। अभी देखा नहीं आप ही का भाई था मनदीप के स्टेटमेंट कौन से गलत थे बताओ? वो सही तस्वीर किसान आंदोलन की दिखाने का काम कर रहा था ईमानदारी के साथ, उसको जेल में ठूस दिया। चलो वो तो हमारे बीच का नहीं था, वो तो सोशल मीडिया आप ही का लोग था, तो ये तो आपको भी दबाने का काम कर रहे हैं। आपको भी बड़ी हिम्मत से लड़ना पड़ेगा इनके साथ। हो सकता है कि आप ये दिखाओ, आपको भी वो कहीं ना कहीं डाल दे भाई साहब। पूरा मुस्लिम समाज देखिए, सरकार को समझ में कैसे आएगी जो सरकार नशे में चूर हो करके, जो सरकार असल में क्या है कि सरकार ये पूंजीपतियों का वालों का सरकार है। ये सरकार जो पैसे वाले मालदार अमीर तबका के लोग हैं, जो मुल्क के अमीर बाशिंदे हैं, अडानी अंबानी ऐसे लोगों की सरकार है। और जाहिर सी बात है कि ये सरकार, ये पूरी मुल्क के लोग जानते हैं कि ये सरकार अडानी अंबानी के लिए काम करती है, ये सरकार अमीर को और अमीर बनाने के लिए काम करती है, ये सरकार गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है। अगर ये सरकार देश के लिए, गरीब के लिए ये सरकार अगर काम करती, तो आज जो पूरे हिंदुस्तान के में लोग इस तरह से सड़कों पे महीनों भर से पड़े हुए हैं, अपने घर को छोड़ करके, अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके, देखिए इन लोगों के भी तो जज्बात है। इस कड़ाके की ठंड में किस तरह से अपने गर्म बिस्तर को छोड़, कौन इंसान छोड़ना चाहेगा? आखिर इन लोगों के दिल में दर्द है। और इसीलिए मैं इन लोगों के मुल्क के सबसे सच्चा वफादार कहता हूँ कि बिल्कुल हम लोग हमेशा से एक थे, एक है और एक रहेंगे।
एक रहेंगे। इस मुल्क की तारीख है कि हम लोग सब लोग मिल कर के एक साथ रहे हैं। आप किसी कॉलोनी का सर्वे कर लीजिए, एक कॉलोनी के अंदर अगर वहाँ पे हिंदू भी बसते हैं, मुसलमान भी बसते हैं, वो लोग कितने अमन सुकून के साथ रहते हैं। उनसे आप जाकर के इंडिविजुअली पूछिए, क्या वो लोग दंगा फसाद चाहते हैं? क्या उन्होंने देखा है किसी को मुल्क के खिलाफ कोई गतिविधि करते हुए? ये तो चंद लोग हैं जो प्रॉपर साजिश करते हैं, प्रोपेगेंडा बनाते हैं और ये हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। अगर ये लोग हमें लड़ाएंगे नहीं तो इनकी राजनीति कैसे चलेगी? वरना नहीं तो यहाँ का मुसलमान, सिख, हिंदू कोई नहीं चाहता आपस में लड़ना। हर कोई अमन सुकून चाहता है और अमन सुकून के साथ यहाँ पे रहना चाहता है। क्या आप लोग हमारे मुअज्जज पत्रकार भाई हैं, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि मुल्क का अमन अमान ख़राब हो? क्या आप लोग चाहते हैं कि यहाँ कत्ल गारत गिरी हो? क्या आप लोग चाहते हैं कि लोगों की नींदें हराम हो? क्या आप लोग चाहते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए ये ज़मीन तंग हो जाए? चाहते हैं आप लोग? कोई नहीं चाहता। अगर आप भी अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए तो आपका दिल भी गवाही नहीं देगा कि मुल्क के अमन अमान खतरे में पड़े, हम लोग आपस में झगड़े, जहाँ हज़ारों साल से, सदियों से हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ पर रहते आए हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।